हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम ट्रैकर। सो गाइस, जैसा आप सब लोग जानते हैं, जो जम्मू कश्मीर पुलिस की लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के द्वारा अभी वैकेंसीज अप्रूव की गई हैं, उन्होंने बताया है कि जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर में 800 के अराउंड वैकेंसीज हैं, जिनके एग्ज़ाम जो हैं जल्दी ही कंडक्ट होने चाहिए। ठीक है, अब जब से जो पुलिस रिक्रूटमेंट एक्ट में चेंजेस आए थे रिगार्डिंग कि सर जो सिलेबस है वो क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगी, आपका फिजिकल बाद में होगा, आपका रिटर्न एग्जाम से आपका इंटरव्यू जो है वो कैंसिल हो जाएगा, उसी दिन से आपको एक वीडियो मैंने पहले भी प्रोवाइड किया था, बताया था कि जो आपका रिक्रूटमेंट एक्ट है उसके क्या क्या आपके एडवांटेज हैं, क्या क्या आपके डिसएडवांटेज हैं, उसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग वो वीडियो जाके सुन सकते हो। अब उसी दिन से क्या था, जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो भी आप ये बोल सकते हो कि उनका जो एज है वो इस क्राइटेरिया में लाई नहीं करता है, ठीक है, जो अभी 28 एज प्लस में है, ठीक है, जो इस एग्जाम के फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं, उनके द्वारा एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, उन्होंने कुछ दिन पहले अरविंद रैना के थ्रू, ठीक है, जो हमारे बीजेपी के लीडर हैं, उनके थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक एक लेटर पहुंचाई है, जिसमें उन्होंने कुछ आपके कारण बताए हैं कि जो आपका रिक्रूटमेंट एक्ट है उसमें एज लिमिट यहाँ पे ये क्यों रखा गया है, जबकि बाकी डिस्ट्रिक्ट्स, सॉरी बाकी यूटीज में या बाकी स्टेट की बात करूँ, चाहे सेंटर की बात करूँ, ये जो आपकी लिमिट है ये कुछ और यहाँ पे लाई करती है ना। तो वो कारण क्या क्या थे, जो लेटर है जो लिखी गई थी यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, जो एक तरह का मेमोरेंडम बोल सकते हो, जो बच्चों ने पहुँचाया है, ये आपका पूरा एक PDF है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, और एटलीस्ट आप लोगों को अवेयर होना चाहिए। देखो, इस वीडियो के थ्रू क्या है, मैं उन लोगों को अवेयर करूंगा, ठीक है, जिन लोग, जो लोग ऐसा सोचते हैं कि सर 18 से 28 साल ही ठीक है एज, क्योंकि वो इस एज लिमिट में लाइक कर रहे हैं, लेकिन उनका क्या जो आगे निकल चुके हैं, बिल्कुल अगर लास्ट टाइम पे यही एज थी तो इस टाइम पे भी आपकी यही एज रहनी चाहिए थी, लेकिन क्यों ऐसा है कि जो बच्चे हैं वो स्ट्राइक कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब कारण एक एक पॉइंट यहां ध्यान से सुनना, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग लास्ट तक आप वीडियो ध्यान से सुनना, आपको हर एक कारण यहां पे समझ में आ जाएगा। क्लास 4 का रिजल्ट आया, ग्रेजुएट को बाहर निकाल दिया, 10,000 वैकेंसी थी वहां पे आपकी, है ना। अब वहां जब ग्रेजुएट को बाहर निकाल दिया है तो बेटा कहीं ना कहीं तो नौकरी करेंगे। हमारा एक, मैं अपनी फैमिली की बात करूं, मेरी छोटी सिस्टर है, मेरा छोटा भाई है, पेरेंट्स का क्या रहता है कि बस तू ग्रेजुएशन कर ले, उसके बाद किसी एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर देना, है ना। जब ग्रेजुएशन करने के बाद एग्जाम की तैयारी करनी है, अगर ग्रेजुएशन बिना किए ही एग्जाम में अपेयर हो सकते हो आप लोग, आप लोगों को जॉब मिल सकती है, तो हमें ग्रेजुएशन करने के लिए क्यों बोला गया है, क्यों यूनिवर्सिटीज खोली गई हैं यहाँ पे, क्यों यहाँ पे बड़े बड़े कॉलेजेस हैं कि आप लोग IIT में पढ़ो जाके, आप लोग एम्स में पढ़ो जाके, आप AITRIP भी करो, आप IIT का एग्जाम दो, है ना। तो ये सब कॉलेजेस खोलने का मतलब ही क्यों है, जबकि आपने एक सिंपल बता दिया है कि जो क्लास 4 की एग्जाम है, बेशक छोटी जॉब है आपकी, उसके लिए ये बच्चे एलिजिबल ही नहीं है, बच्चे वहां बाहर निकाल दिए। ठीक है, एक तरफ से सही है कि चलो ठीक है, जो छोटी जॉब है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन के लोग आपके यहाँ एलिजिबल होने चाहिए, लेकिन यार उनका क्या जिन्होंने हायर क्वालिफिकेशन किया है, जो लास्ट 10 साल से जॉब की ही तैयारी कर रहे हैं, लास्ट 5 साल से जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जो कि JKSSB पे डिपेंडेंट है आपके, जब आपका आपका जो स्टेट था वो 2 UT में टूट गया, तब से वो लोग इस इंतजार में है कि 50,000 वैकेंसीज आने वाली है। भाई 50,000 वैकेंसीज, हमें तो अभी तक देखा जाए तो टोटल मिला के 15,000 के अराउंड ही वैकेंसी दिखाई देगी, है ना। तो अब वो लोग कहाँ जाएं, जो लोग ग्रेजुएट हैं, जो लोग एग्जाम में, जिन्होंने क्लास 4 का एग्जाम दिया, जिनके अच्छा स्कोर भी आया, लेकिन उनको वहां से बाहर निकाल दिया, पंचायत में आपके यहाँ 1800 बंदे सेलेक्ट हो गए, फिर आपका जो JK बैंक था कुछ बच्चे वहां सेलेक्ट हो गए, अब इतना आपका पूरा एक UT है जिसमें मिनिमम, मान लो मैं अगर मिनिमम से मिनिमम मान के चलूं, तो आपके कम से कम भी कोई 3 से 4 लाख लोग जो हैं वो इस टाइम पे ग्रेजुएट हैं, जिनकी अच्छी क्वालिफिकेशन है जिनके पास, जो कि टीचर के जॉब के लिए, प्रोफेसर के जॉब के लिए, जो आपकी स्टेट के किसी जॉब के लिए, जो सिविल इंजीनियर्स हैं, जो आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, ये सब लोग वेट कर रहे हैं कि कब गवर्नमेंट द्वारा हमारी वैकेंसीज निकाली जाएंगी और हम अपनी फील्ड में ही जाके जॉब करेंगे। और लास्ट में आके वो लोग कहाँ जाते हैं, वो IBPS का एग्जाम देते हैं, वो बैंकिंग सेक्टर में जाते हैं, वो पंचायत में जा रहे हैं, वो क्लास 4 का एग्जाम दे रहे हैं। तो ये सब कारण है। अब एज रखी गई आपकी यहाँ पे, सबसे पहली बात, कोविड के कारण हर स्टेट में कुछ एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिला है ना। अभी जब आपकी नोटिफिकेशन आएगी तो हो सकता है कि 2-3 साल का आपको रिलैक्सेशन वहां पे मिल जाए। अब मैं बात कर रहा हूं आपकी सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस की, जिसकी जो एज लिमिट है 18 से 28 साल है, ठीक है।
पहली बात, ना ही ये कोई ऐसा एग्जाम है जो कि आपका हर साल होता है, ना ही ऐसा एग्जाम है जो आपका हर दो सालों में लिया जाता है। जब एग्जाम आपका 5 साल के बाद आ रहा है, 6 साल के बाद आ रहा है, 2009 में आपकी पहली रिक्रूटमेंट हुई थी, सेकंड आपकी 2016 में, 2017 में आपकी स्टार्ट हुई थी, अब थर्ड रिक्रूटमेंट 2021 में आई है, तो मैं अगर खुद की एज की बात करूं ना, तो हमारी इतनी एज नहीं है कि हम फिर से यहां पे, ना हम 2009 में एलिजिबल थे, ठीक है, ना ही हम 2021 में एलिजिबल होंगे। 2016-17 में हम लोग एलिजिबल थे, जो भी मेरी एज के लोग हैं, ठीक है, मैं तो चलो अभी 28 का हूं, तो मैं इसमें लाई करता हूं, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। अब जो मेरी एज के लोग हैं, वो अपने लाइफ में अगर उनका एम होगा कि सर हमें पुलिस में जॉब करनी है, अपने स्टेट को सर्व करना है हमें पुलिस के लिए, तो उनका तो सपना एक ही बार में टूट गया, उनको सेकंड चांस ही नहीं मिला, उनको पता ही नहीं लगा कि मेरे पास, हमने एग्जाम दिया उसमें हमारी कमियां क्या थी, अब हमें कौन सी कमियों को यहां पे ओवरकम करना है ना। तो उनके लिए तो ये बात गलत है ना, है ना। जा तो आप वैकेंसी हर साल निकालो, जा 2 साल के बाद निकालो, जा तो अब क्या है, उन बच्चों का ये कहना है कि सर जो एज लिमिट है वो मिनिमम आपकी तो 18 ठीक है, लेकिन मैक्सिमम एज लिमिट अगर जेके एसएसबी एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, तो जेके एसएसबी के जो आपका रिक्रूटमेंट जो क्राइटेरिया है एज का, वो रखा जाए, जहां तो फिर आपकी जो एज लिमिट है वो यहां पे 35 तक पहुंचा दी जाए, ये बच्चों का यहां पे कहना था। आप लोग देख सकते हो यहां पे बोला गया है, मेमोरेंडम ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉर द एज रिलैक्सेशन फ्रॉम 28 to 35 ईयर फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ 800 सब इंस्पेक्टर इन पुलिस डिपार्टमेंट विच हैव रिसेंटली बीन अप्रूव्ड, ठीक है। तो बोला गया है जो एज है वो यहां से आपकी बढ़ा के इधर कर दी जाए। अब जो लोग 18 साल से 28 साल के बीच में लड़ाई कर रहे हैं, वो इसके अगेंस्ट है कि सर ऐसा नहीं होना चाहिए, कमेंट आ रहे होंगे आप लोगों के, लेकिन देखो ये कभी ना कभी लाइफ में जाके आगे आपको, जब आप बोलो कि सर हमारे छोटे भाई बहन हैं, आपके बच्चे हैं, उनको इन चीजों का इफेक्ट होगा, सो इट्स बेटर कि जो आपकी जो चीजें गलत है वो टाइम टू टाइम यहां पे ठीक कर दी जाए, क्योंकि यूटी बनाई गई है, तो जो भी आपकी चीजें गलत हैं उसको यहां ठीक कर देना चाहिए। अब देखो इन्होंने जो स्टूडेंट्स हैं आपके यहां पे, ठीक है, आप देख सकते हो ये कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, इन्होंने ये लेटर लिखा है, ओबीसी बच्चे यहां पे आपके इंक्लूड हैं, इन्वॉल्व हैं इनके साथ। अब देखो इनके जो पॉइंट हैं वो सारे पॉइंट क्लियर हैं, गवर्नमेंट को इन पॉइंट्स को देख के समझ आना चाहिए कि बच्चों का क्या दुख है, क्या दर्द है, क्योंकि गवर्नमेंट हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं ना यार, हम लोग टैक्सेस पे करते हैं तभी गवर्नमेंट वर्क कर रही है, तो एटलीस्ट उनको हमारे जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, या हमारे जो आगे वाले छोटे भाई बहन हैं, उनकी बातों, उनके जो भी नुकसान होंगे उनको ठीक करने की यहां कोशिश करनी चाहिए। बोला गया है दैट नो रिक्रूटमेंट ड्राइव इन द पुलिस डिपार्टमेंट हैज बीन मेड ऑफ बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट एंड नॉट इन द ईयर ओनली इन द ईयर 2009 फिर 2016 और अब क्या है आपके यहां पे मेरे पास 2021 में रिक्रूटमेंट हो रही है, तो मतलब जो बच्चा 2010 में पास हुआ है, 2010 के बाद जो भी पास हुआ है उसको यहां पे एक ही चांस मिला इस एग्जाम में अपेयर होने के लिए। पहली बात आपकी यहां पे ये होगी। अब बोला गया है कि जो आपकी एज लिमिट है यहां बताई गई है मैक्सिमम 28 एज के लोग अपेयर हो सकते हैं, वेयर एज इन अदर स्टेट्स लाइक गुजरात, केरला, बिहार, मैक्सिमम लिमिट, देखो यहां पे जो लिमिट है वो बिल्कुल सही है, मैंने आपको इस वीडियो में बताया था कि 18 साल का बच्चा तो ग्रेजुएट ही नहीं है, 18 साल का बच्चा 12th पास होता है, अगर उसने ग्रेजुएशन किया 3 साल का तो 21, डॉक्टर बना तो 5 साल और लगा लो, इंजीनियर बन गया तो 4 साल और लगा लो। अब 21 से 35, देखो ये एज लिमिट यहां पे जो है ये बाकी इन स्टेट्स में आपकी रहती है 21 ईयर से 35 ईयर, गुजरात में, केरला में, बिहार में, ये पॉइंट इन्होंने यहां मेंशन किए गए हैं। तो भाई हम लोग क्यों पीछे रहे, है ना, आप चाहते हो कि जम्मू को, जम्मू कश्मीर को यहाँ पे यूटी बनाया गया है, यहाँ पे एडवांसमेंट आनी है, यहाँ पे आपका एब्रोगेशन हुआ है 370 एक्ट का, बाहर की इंडस्ट्री यहाँ के एस्टैब्लिश होगी, लोगों को यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो आप लोग अगर एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हो तो आपको वो चीज़ें भी तो देखनी चाहिए जिसकी वजह से यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट आएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, है ना, तो वो पॉइंट भी आपको यहाँ नोट करने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया है कि सिंस गवर्नमेंट हैज ग्रांटेड वन टाइम एज रिलैक्सेशन इन जेकेपीएससी, जो आपका यहाँ पे एग्जाम हुआ था केपीएस का एग्जाम, फ्रॉम 32 to 37 ईयर्स, आप लोगों को इसके बारे में पता ही होगा, द सेम रिलैक्सेशन शुड ऑल्सो गिवन टू एस्पिरेंट्स हु हैव पैशन टू ज्वाइन पुलिस डिपार्टमेंट एज ए सब इंस्पेक्टर बट कुड नॉट एबल टू गेट एडुकेट अपॉर्चुनिटीज, जिनको अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नहीं मिल पाती है और इनका मेन कारण है यहाँ पे एज का, ठीक है। अब नेक्स्ट है दैट ओइंग टू वेरियस रीजंस नो रिक्रूटमेंट ड्राइव हैज वाज मेड एंड नो फॉर द फर्स्ट टाइम योर ऑनर हैव बीन
please to approve also post of sub inspector in the police department for which the educated unemployment, देखो educated है और unemployed है, पढ़े लिखे हैं लेकिन यहां बिना नौकरी के हैं, ठीक है। यूथ कन्वेस heartiest thanks to your excellency, which is a very good step, ये आपका बहुत अच्छा step है कि आप लोग यहां पहली बार जो है आपकी आपके राज्य में बोल सकते हैं या आपके राज में बोल सकते हैं, पहली बार यहां पे एग्जाम जो है वो कनेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। अब देखो यहां पे एक पॉइंट होना, ये आपको पता होगा इसके बारे में, जम्मू कश्मीर के रहने वाले हो, आल्सो 5 ईयर रिलैक्सेशन फॉर द एस्पिरेंट्स ऑफ जेएनके इन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज। सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज में बच्चों को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता था यहां पे। बॉर्न बिटवीन 1980 से 1989, इन एज के बीच में जो लोग बॉर्न हुए हैं उनको 5 साल का यहाँ पे मिलता था, जो ये खत्म होने वाला था 2024 में, लेकिन आपका जो है अभी खत्म कर दिया गया है आपका एब्रोगेशन ऑफ 370 आर्टिकल के बाद। कौन कौन सी जॉब थे सबका, IAS हो गया, IPS हो गया, SSC हो गया, रेलवेज हो गया, बैंक हो गया, अदर आपके यहाँ पे एग्जाम हो गए। That owing to the set criteria of maximum age limit in the police department as sub inspector, large number of educated unemployed will be deprived the opportunity of joining the police department. वही सेम चीज़ लिखी गई है, एज आपकी यहाँ पे ये रहनी चाहिए और आपको इन पॉइंट को ध्यान रखना चाहिए। स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये लेटर लिखा है, आपका लेटर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक LG तक यहाँ पे पहुंच चुका है। अब आने वाले टाइम में क्या स्टेप लिए जाएंगे हमें नहीं पता, लेकिन आप लोगों के इस पॉइंट को लेके व्यूज क्या हैं कि सर क्या एज लिमिट रहनी चाहिए, है ना, कितनी एज का बच्चा यहां पे अपेयर होना चाहिए, कितनी एज जो है वो सफिशिएंट है कि आपका जो स्टूडेंट है वो कम से कम अपनी लाइफ में, अगर यही प्रोसेस आपने रखना है कि 4-4 साल के बाद रिक्रूटमेंट कर रहे हो तो बच्चा कम से कम 2 या 3 चांस यहाँ पे ले इस एग्जाम के लिए। बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनका 2018 में इंटरव्यू नहीं हुआ, वो अभी तक यही वेट कर रहे हैं कि कब JKP की वैकेंसी आउट होंगी, हम फिर से एग्जाम यहाँ पे देंगे, है ना। तो ये स्टेप जो है ये गवर्नमेंट को लेने चाहिए, इसके अगेंस्ट इस चीज को यहाँ ठीक करना चाहिए, क्योंकि ये ठीक होगा तो आपके आने वाले टाइम पे जो भी एग्जाम होने वाले हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के, उसमें आपकी एज लिमिट यही रहेगी। और आप लोग अगर अभी 23 के हो, 25 के हो, तो आने वाले टाइम पे हो सकता है आपको 2-3 बार जो है जम्मू कश्मीर पुलिस का एग्जाम देने का मौका मिल जाए, ठीक है। अब वो बात अलग रहेगी सर 35 एज के जो लोग हैं वो फिट नहीं है पुलिस की जॉब के लिए, या उससे कोई मतलब नहीं है ना, है ना, आपको कोई मतलब नहीं है फिट है कि नहीं है। अब जो 35 एज के लोग हैं जो पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं तो वो भी फिट नहीं है आपके, है ना, फिर तो उनको वहां से निकाल देना चाहिए। ऐसा नहीं है, अगर कोई बच्चा एलिजिबल है, किसी में इतना दम है, किसी में इतनी हिम्मत है कि वो रिटर्न अपना वो अपना रिटर्न निकालने के बाद फिजिकल निकाल सकता है, वो फिजिकल फिट शो करेगा आपको, तो आप उसे वहां पास करो, उसको वहां ज्वाइनिंग करवाओ, है ना। तो ये सिंपल सी चीजें हैं जो आप लोगों के दिमाग तक पहुंचनी चाहिए, अवेयर हो जाओ, क्योंकि जो गलत है उसके खिलाफ आप लोगों को स्टेप उठाना ही चाहिए। और हमारी जो टीम है जेके एग्जाम क्रैकर की, पूरी टीम आपके साथ है, मैं हूँ, अंकु सर है, दीपक सर है, तानिया मैम है, हम सब लोग आपके साथ हैं, जैसा भी रहेगा साथ मिलके इस चीज को ठीक करने की यहां ट्राई करेंगे। सो गाइस विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड टेक केयर।